आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता मिश्रा कांग्रेस को अब तक जिस चीज का डर सता रहा था आखिरकार वही हुआ है हरियाणा में चली बीजेपी की बयार और कांग्रेस की करारी हार ने कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस को गहरी चोट पहुंचा दी है उधर जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस कुल सात सीटें ही अपनी झोली में ला पाई लेकिन कांग्रेस अपने इन सदमों से बाहर निकल पाती उससे पहले ही उसके अपने साथियों ने उससे दामन छुड़ाना शुरू कर दिया है जिसकी शुरुआत यूपी में समाजवादी पार्टी ने कर दी है वहीं इसके बाद अब यूपी और बाकी कुछ राज्यों में भी जल्द होने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की करंट सिचुएशन साफ हो गई है इस लोकसभा एक तरफ हरियाणा में पिछले 10 सालों से काबिज बीजेपी के लिए कथित एंटी इनकम्बेंसी के बीच जीत की हैट्रिक लगाने का चैलेंज था तो वही कांग्रेस के लिए भी लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को बनाए रखने की चुनौती थी हालांकि कांग्रेस फिर भी ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आई लेकिन जनादेश आखिरकार बीजेपी के ही हिस्से आया और कांग्रेस को हाथ लगी तो सिर्फ निराशा पर इन सबके बीच उसके खुद के साथ ही जो कांग्रेस की तरफ से खुद को दरकिनार किए जाने का रिवेंज लेने के लिए मौके की तलाश में थे उनको अब कांग्रेस की इस परफॉर्मेंस ने उसकी दबाव वाली गोली का कड़वा घूट पीने से बचा लिया है क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के फौरन बाद ही कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया है ये चर्चा सियासी गलियारों में लंबे वक्त से थी कि कांग्रेस जिस तरह से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में अब जमीन मजबूत करने की कोशिश में है उसका ब्लूप्रिंट लेकर उपचुनाव से ही पार्टी इसका बेस बनाने की तैयारी कर रही है तो वहीं यहां पर कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस के इन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है दरअसल सपा चीफ अखिलेश यादव ने जल्द होने जा रहे में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ चल रही रस्सा कशी की खबरों के बीच छह सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है जिसके बाद अब ये खबरें तेज हो गई है कि कांग्रेस के साथ अखिलेश का गठजोड़ आखिरी सासे गिन रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छह सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है इस लिस्ट के मुताबिक अखिलेश यादव की करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट मिला है तेज प्रताप सिंह यादव अखिलेश के चचेरे भाई और लालू यादव के दामाद हैं। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया जो की सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं इसके अलावा कानपुर की सीसा मऊ से नसीम सोलंकी को सपा ने उम्मीदवार बनाया है जबकि प्रयागराज के फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट मिला है वही मिर्जापुर के मजुआ से डॉक्टर ज्योति बिंद को और अम्बेडकर नगर के कटहरी से शोभावती वर्मा को टिकट हासिल हुआ है देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने छह में से चार सीटों पर पिछड़े और दलित तो उम्मीदवार उतारे हैं जबकि दो सीटों पर मुस्लिम चेहरों को जगह दी है मतलब ये सपा प्रमुख ने सभी छह सीटों पर

करहल के अलावा सबसे चर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही टिकट दिया है इसकी संभावना हालांकि पहले ही जताई जा रही थी वहीं कुछ दिन पहले ही अजीत प्रसाद के खिलाफ एक केस भी यहां पर दर्ज हुआ वहीं सपा ने कानपुर की सीसा मऊ नगर सीट से नसीम सोलंकी को टिकट दिया है नसीम सोलंकी पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है इरफान सोलंकी को सात साल की सजा होने के बाद सीसा मऊ सीट खाली हुई थी आपको बता दें कि पहले से ही ऐसी चर्चा थी कि अखिलेश यादव यहां से इरफान सोलंकी की पत्नी को उम्मीदवार बना सकते हैं उधर अखिलेश यादव ने प्रयागराज के फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है मुस्तफा तीन बार के विधायक हैं वो दो बार सोराव और एक बार प्रतापपुर सीट से विधायक बने थे बाईस के चुनाव में उन्हें हालांकि हार का सामना करना पड़ा था लेकिन अब एक बार फिर अखिलेश ने उन पर अपना भरोसा जताया है इसके अलावा मिर्जापुर की मझुआ सीट पर अखिलेश यादव ने भदोही से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को टिकट दिया है रमेश बिंद तीन बार मजवा सीट से विधायक रह चुके हैं वो 2019 में बीजेपी की टिकट पर भदोही से सांसद भी बने थे इस बार बीजेपी छोड़कर वो सपा में शामिल हो गए थे और उन्हें मिर्ज़ापुर से टिकट दिया गया था हालांकि उन्हें अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल से हार का सामना करना पड़ा था मजवा सीट से विधायक डॉ विनोद बिंद के भदोही से सांसद चुने के बाद इस वजह से मजुआ सीट पर उपचुनाव अब हो रहा है साथ ही अंबेडकर नगर की कटहरी सीट लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली हुई और इस सीट पर अखिलेश यादव ने शोभावती वर्मा पर भरोसा जताया है शोभावती वर्मा लालजी वर्मा की पत्नी है और वो अंबेडकर नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है अब यहां गौर करने वाली बात है कि सपा ने जिन छह उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें से अभी भी सीटों सीटों को, को यानी कि दस में से चार सीटों को अभी भी होल्ड पर रखा हुआ है जिनमें मीरापुर, कुंदरकी गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट शामिल है लेकिन सपा ने जिन छह सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की उनमें दो सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और ये दो सीटें हैं फूलपुर और मजवा इन्हीं सीटों पर सपा की गठबंधन साथ ही कांग्रेस भी अपनी दावेदारी जता रही थी और अब इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके सपा मुखिया ने एक तरह से कांग्रेस को दबाव में लाने का काम किया है असल में बीते दिनों खबर आई थी कि यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय को सियासत में लॉन्च करने की तैयारी में जुटे हैं शांतनु राय का नाम उपचुनाव में संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा था अजय राय अपने बेटे शांतनु को मिर्जापुर की मझुआ सीट से चुनाव लड़ाने की सोच रहे थे लेकिन सपा ने पहले ही इस सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद के नाम का ऐलान कर दिया जबकि प्रयागराज से जुड़ी फूलपुर सदर की सीट पर भी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पहले लिस्ट में इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं अखिलेश यादव ने फूलपुर की सीट पर 2022 के विधानसभा चुनावों में 2000 वोट से हारे प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को ही फिर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया जबकि मझुआ सीट पर अखिलेश यादव ने बिंद बिरादरी को प्रतिनिधित्व दिया है हालांकि कहा तो जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर टिकटों की घोषणा करेंगी लेकिन हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद लगता है कि अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल ली है ऐसा लग रहा है कि वो अब जैसे को तैसा के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं एक सवाल यह भी है कि उपचुनाव में कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए बिना अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा क्यों की देखा जाए तो चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव की बात रही हो या हरियाणा चुनाव की अखिलेश यादव की सपा को सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस की तरफ से हमेशा कोल्ड वाई भी मिली है कहा जा रहा है कि अखिलेश हरियाणा में सीट न मिलने और महाराष्ट्र में भी पेज फंसने की वजह से ये दांव खेल रहे हैं राहुल गांधी के वादे के बावजूद समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने हरियाणा में सीटें नहीं छोड़ी वही अखिलेश की पार्टी महाराष्ट्र में कम से कम बारह सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है हाल ही में पार्टी की तरफ से कांग्रेस को भी बाबत सूची दी गई, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इस पर सपा को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया ऐसे में सपा भी अपना दाव खेलती दिख रही है और इस तरह से यूपी में सीटों पर उतारने के उनमें अंबेडकर नगर की कटहरी मैनपुरी की करहल अयोध्या की मिलकीपुर मुजफ्फरनगर की मीरापुर और गाजियाबाद मिर्जापुर की मजवा कानपुर नगर की सीसा मऊ अलीगढ़ की खैर प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है इन सीटों में नौ सीटें लोकसभा चुनाव में सांसदी के कारण खाली हुई जबकि सीसा मऊ इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में जेल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई उधर इनमें से छह सीटों पर सपा के कैंडिडेट उतारे जाने के बाद कांग्रेस अब वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है क्योंकि दो के लोकसभा चुनाव में भी सपा ने कांग्रेस को पहले तो कम सीटें देने घोषणा की, की थी लेकिन बाद में अखिलेश यादव सत्रह सीटें देने को तैयार हो गए थे ऐसे में कांग्रेस अब बड़े स्तर पर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर सकती है क्योंकि यूपी में दो में इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा कामयाब साबित हुआ था बहरहाल अब देखना होगा कि बाकी की चार सीटों पर क्या फैसला लिया जाता है और इंडिया गठबंधन का हश्र यूपी में क्या होता है फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन दबाना बिल्कुल ना भूले